हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लाई हूँ व्रत के ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप सिर्फ दो बूंद तेल से बना सकते हैं। ना ही आपको साबूदाना भिगोने का झंझट है, ना ही इसे तलने का, सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुक टच हिंदी पे। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते को। सबसे पहले आधा कप चावल ले लीजिए। समा चावल लेना है जो व्रत में खाया जाता है, किसी भी किराना स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे सोक करने के लिए रख दीजिए 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो चावल थोड़ा सा फूल जाता है। और अब इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से साफ पानी से आप धो लीजिए। इसके बाद इसको डाल दीजिए एक मिक्सर जार के अंदर। साथ ही में इसमें एक उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है, एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसे काट कर डालेंगे इसमें। और 1/4 कप के करीब इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल करके हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितना हो सके उतना बारीक आपको पीस लेना है इसे। तो यहाँ पर देखिए, इसका बहुत ही क्रीमी बढ़िया टेक्सचर लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया से पीस चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से पीस चुकी हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। इसको डाल देते हैं एक मिक्सिंग बोल में। चावल को भिगोने से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से पीस जाते हैं चावल, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से पीस चुका है ये। तो चलिए, इसे डाल दिया है एक मिक्सिंग बोल में। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाल दिया है जो व्रत में खाया जाता है। साथ ही में यहाँ पर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है धोकर साफ करके, अब ये डाल देंगे। साथ ही में इसमें थोड़े से मैं डाल रही हूँ हरी जो मिर्ची होती है ना, जो लाल हो जाती है, तो एक मिर्ची को मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालना है। काली मिर्च को मैंने कूट कर इसका पाउडर बना लिया है। अब इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो 2 छोटे चम्मच के करीब डाल दिया है। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे भुनी हुई मूँगफली का दरदरा कुटा हुआ पाउडर, तो 2 टीस्पून ये डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, तो 2 छोटे चम्मच के करीब आप दही डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिला लीजिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपको अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देते हैं और फिर हम बनाएंगे व्रत वाली चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है चटनी बनाने के लिए, और थोड़ी सी यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ले ली है मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब। 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लिया है 1/2 इंची के करीब, धोकर साफ कर लिया है। थोड़ा सा कच्चा नारियल लेना है, फ्रेश ताज़ा नारियल। अब यहाँ पर देखिए, मैंने मूंगफली का छिलका हटा दिया है और जो नारियल था उसको कद्दूकस करके ले लिया है मैंने एक कद्दूकस से, और जो अदरक था उसको भी कद्दूकस कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डाल देंगे, और साथ ही में इसमें डाल देंगे सेंधा नमक यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा दही डाल देंगे 2 छोटे चम्मच के करीब। दही डाल दिया हमने इसमें। अब ढक्कन लगा करके इस चटनी को हम पीस लेते हैं। तो चटनी को हमने पीस लिया है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जैसी चटनी आप खाना चाहते हैं। आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए, तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्ची डाली है यहाँ पर मैंने। तो दोस्तों, व्रत में आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो चीज़ें आप इसमें से स्किप कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी से काजू के टुकड़े लिए हैं, ये भी मैंने डाल दिए हैं तड़के के अंदर। तो तड़के के अंदर आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो हटा दीजिएगा। कुछ सेकंड के लिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लीजिए। घी का तड़का लगाने से चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इस तड़के को डाल देते हैं चटनी के अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स करके आप साइड रख दीजिए। अब यहाँ पर जो बैटर हमने बना करके रखा था, 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून आप इनो या फिर सोडा, जो भी आप व्रत में खाते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिना इनो सोडे के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हम इसे मिला लेंगे हल्के हाथों से, और बस अब यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाने के बाद चलिए फिर नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं किचन की तरफ और ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन रखा है गैस पर, इसमें थोड़ा सा ऑयल हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए या फिर घी थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम तेल घी में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए बैटर को इस तरीके से पैन में डालकर थोड़ा सा फैला देंगे, और बस अब इसको ढक दीजिए 2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे पकने दीजिए इसे, और 2 मिनट के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। 2 मिनट हो चुकी हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे। तो 2 मिनट में अच्छे तरीके से ऊपर से हल्का सा ड्राई हो जाएगा ये, उसके बाद आप इसे पलट सकते हैं। तो इसे पलट करके हम क्या करेंगे,
दूसरी साइड से भी हमने इसे सेक लेना है और ऑयल या फिर घी का अब इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से ढककर हम 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं इसे और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो देख सकते हैं आप 2 मिनट हो चुकी हैं और 2 मिनट में ही ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये चीरा झटपट से बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए इसी तरीके से हम सारा नाश्ता यहाँ पर बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर सारा नाश्ता बना करके रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।